नमस्कार, अगले वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 की मैथ्स का 2.5 का ये क्वेश्चन है और यहाँ पर इसमें कम से कम 10-12 क्वेश्चन है, तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप 2-3 वीडियो में इनको मिला के आपको दे देंगे। तो बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इन क्वेश्चनों में ये पूछा गया है कि एक्स का मान निकालना है या फिर निम्न समीकरण को हल कीजिए। निम्न समीकरण को हल करने का मतलब कितना है कि यहाँ पर जो भी अपने पास x हैं उसको उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो बिना देर के हुए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ रूल याद रखने हैं कि कोई भी संख्या अगर वो प्लस की है तो बराबर की उतर जाएगी तो माइनस की हो जाती है, और माइनस की है तो बराबर की उतर जाती है तो प्लस की हो जाती है। अगर गुणे में है और बराबर की उतर जाती है तो भाग में चली जाती है। अगर वो भाग में है तो बराबर के उस तरफ जाती है तो गुणे में चली जाती है। तो याद रहना चाहिए आपको कि प्लस की है तो संख्या बराबर के उधर जाती है तो माइनस की हो जाती है, माइनस की है तो प्लस की हो जाती है, और गुणे में है तो वो किस में चली जाती है, भाग में चली जाती है, और भाग में है तो वो गुणे में चली जाती है। तो इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए इन समीकरणों को हल करेंगे। तो यहाँ पर अपन बिना देर हुए शुरू करते हैं और एक्स का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले देखो आप यहाँ पर ये एक्स बटा दो एक अलग संख्या है और एक्स बटा तीन एक अलग संख्या है। तो यहाँ पर अपन थोड़ा सा शुरू करते हैं कि यहाँ एक्स बटा दो है ये। अब मैं एक्स एक्स वालों को एक तरफ ले आता हूँ, एक्स एक्स वालों को एक तरफ ले आता हूँ। तो यहाँ पर एक्स बटा दो है, इस एक्स बटा तीन को इधर ले आता हूँ तो ये माइनस का हो जाएगा। एक्स बटा तीन किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस का एक बटा पाँच तो बराबर की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो एक बटा चार तो पहले से पड़ा है, ये इधर गया तो किसका हो गया, प्लस का हो गया। अब इसको यहाँ से अपने को सॉल्व करना है। सिंपल सा मैंने किया क्या है कि इस जो एक्स बटा तीन था उसको इधर लिया है, ये किसका हो गया, प्लस का, और ये एक बटा पाँच था इसको मैंने उधर भेजा तो ये माइनस का था, उधर था कि किसका हो गया, प्लस का। एक बटा चार तो पड़ी था, अब एक्स एक्स वाले एक तरफ हो गए और संख्या एक तरफ हो गई। अब क्या करना है यहाँ पर इसको सॉल्व करने का, ये भी सिंपल तरीका है कि इसका गुणा इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। इसका गुणा इसके साथ किया तो तीन गुणा एक्स तीन एक्स, आई बात में। इसका गुणा इसके साथ किया तो दो एक्स, और इसका इसके साथ किया तो कितना है, छ। तो सिंपल है, देखो यहाँ अगर प्लस का निशान होता तो प्लस आ जाता, माइनस का होता तो माइनस आ जाता। अब क्या करना है, इधर वाले को सॉल्व कर दो। इसका गुणा इसके साथ किया तो पाँच, और इसका इसके साथ किया तो ये कितना एक है, तो चार एकम चार, और इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ किया तो चार बनिया बीस, आई बात समझ में। अब देखो तीन एक्स में से दो एक्स गए तो एक एक्स बचा बटा छ, ये ऊपर कितने बच्चे बताओ, बट ऊपर बच्चे अपने पास वो बच्चे ऊपर इन दोनों को जोड़ने पर अपने पास 9 हो गए, और ये कितने हो गए 20। x का मान निकालना है तो इस 6 को मैं उधर भेज देता हूँ, तो x बराबर कितना आ जाता अपना 9 गुणा 6 और बटे में 20। ये देखो x के ये भाग में था, बराबर की तरफ गया तो गुणे में चला गया उस नियम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर क्या करो आप थोड़ा सा काट-पीट कर सकते हो, दो की टेबल से इसको काटा तो ये तीन बार कटते हैं और ये कितनी बार कटते हैं 10 बार, और 9 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 3 27, और ये बटे में कितना आ जाता है 10। अब इसको भी और अगर सॉल्व करना है, अगर पॉइंटों में लाना है तो यहाँ पर ये लिख रखा है, ये लिख रखा है कि दो एक जीरो है नीचे तो ऊपर एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा, आई बात समझ में। ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इस तरीके से पूछा गया है कि n की वैल्यू निकालनी है। n है वो अननोन वैल्यू है, तो आपको इसमें किसका मान निकालना है, n का मान निकालना है। तो यहाँ पर n का मान निकालने के लिए मेरे पास नीचे सब अलग अलग आ गए हैं, क्या आ गए, नीचे अलग अलग आ गए। अब देखो बेटा, मैं ना तो 6 को भेज सकता हूँ ना 4 को, क्योंकि ये इसके प्लस में है, किसके प्लस में, इस संख्या के प्लस में, इसलिए मैं 6 को डायरेक्ट उधर नहीं भेज सकता। तो मैं क्या करूंगा, इन सब का क्या ले लूंगा, नीचे अलग अलग आगे नीचे क्या ले लूंगा, एलसीएम ले लूंगा, क्या ले लूंगा एलसीएम। तो एलसीएम लेने का सिंपल तरीका है कि नीचे वाले नंबर को इस तरीके से आपको लिख डालना है, फिर यहाँ पर सबसे छोटी संख्या लेते हैं 2, और कितना था 1, 2 के पड़े में 4 कितनी बार में आते हैं 2 बार में आ
आते नहीं आते बोलो। फिर दो के पहाड़े में तीन, तीन बार बच्चा आते हैं, फिर दो यहाँ वापस लेंगे, एक एक और ये तीन के तीन, फिर क्या लेंगे तीन। तो अब ये जो यहाँ वाले होते हैं इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, कर दिया तो कितना आ गया, दो दो चार, चारतिया बारह, तो बारह अपने पास एलसीएम आ जाते हैं। और एलसीएम बहुत छोटी से छोटी सी क्या होती है, वो इससे भी बाधित होती है, इससे भी बाधित होती है और इससे भी बाधित होती है। इस तरीके से अपने पास वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर एलसीएम कितने ले लिए मैंने, बारह ले लिए, कितने ले लिए बारह। अब मेरे को क्या करना बेटा, सबसे पहली संख्या के पास जाना, एन बटा दो मेरे पास पहली संख्या है, इसके पास गया, इसका गुणा किससे करूंगा मैं, जो भी एलसीएम आया उससे। भाई एलसीएम कितना है, बारह, दो के टेबल से बारह कितनी बार कटेंगे, छह बार, जो भी एलसीएम आए उससे। अब चार के पाड़े से बारह कितनी बार कटते हैं, चार के पाड़े से बारह तीन बार कटते हैं, तीन दिया नौ, तो अपने पास कितने आ जाते हैं नौ, वो किसके आएंगे माइनस के, ये माइनस के, इसीलिए ये तीन एन नौ एन आ गया अपने पास। ये देखो यहाँ पर नौ एन, तीन दिया नौ आते ना, तो नौ एन होंगे। फिर अपने 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 किसके पास जाना है, अपने को सबसे आखिरी जो संख्या है फाइव एन बटा छ, फाइव एन बटा छ, और ये प्लस किए इसका गुणा कर सकते हो, जो भी एलसीएम है उससे। छः के टेबल से बारह को काटेंगे, कितने बार काटेंगे, दो बार, छः एक पंचा छः दूनी बारह। अब दो का पड़ा पाँच एन बार बोलते हैं, तो दो दो इंटू पाँच हो गए दस, तो कितना आ जाएंगे प्लस दस एन। इधर कितने आ जाते हैं इक्कीस आ जाते हैं, इधर कितने आ जाते हैं इक्कीस। यहाँ पर देखो बेटा प्लस के कितने हो गए, प्लस के, प्लस के अपने पास हो गए दस इंटू दस और छ सोलह, सोलह एन हो गए, सोलह एन माइनस नौ बटा बारह बराबर इक्कीस। अब सोलह में से नौ गए तो अपने पास सात बचे, कितने बचे सात। देखो ये प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला, जो प्लस प्लस वालों को जोड़ दिया तो सोलह हो रहे, दस प्लस के छह भी प्लस के, तो दस और छह सोलह, और सोलह माइनस एन ये नाइन एन कर दिया, तो कितना आ गया सात एन, वो प्लस के होंगे ये बड़ी संख्या है, बराबर बारह, और ये कितना आ गया इक्कीस। अब देखो इधर एन के गुणे में सात है और भाग में बारह है, तो ये भाग में तो उधर जाके गुणे में उधर जाएंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा हो जाना, क्रॉस में वृत्त गुणा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर एन बराबर अपने पास कितना जाता है इक्कीस इंटू कितना हो जाएगा बारह, ये गुणे भाग में थे गुणे में चले गए, और ये गुणे में थे और बराबर के उधर गए तो किसमें चले गए भाग में। अब सात के पहाड़े से इक्कीस कितनी बार करते हैं तीन बार, बारह को बारह बार दो चौबीस बार दिया छत्तीस, बारह का तीन बार, तो एन बराबर अपने पास कितना आ जाता है छत्तीस। तो इस तरीके से आप इसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।